गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले भी कई वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के सवाल सॉल्व किए भी जा चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 10वें का पहला। इसमें कह रहा है सर्वसंख्या का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। लिखा है 101 का क्यूब। अब इसका मतलब हुआ 101 गुणे 101 गुणे 101, यानी तीन बार गुणा कर दीजिए वही आंसर आएगा जितना हम सर्वसंख्या से। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 100+1 का क्यूब, ये लिखा जा सकता है 101 लिखा है। यहाँ पे सर्वसंख्या जो लगेगा हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, a+b का होल क्यूब, या इसको हम x+y का भी होल क्यूब कह सकते हैं। सर्वसंख्या हो गया x+y का होल क्यूब बराबर होता है x³+y³+3xy कोष्टक में x+y। इस सर्वसंख्या से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इधर लिखेंगे 100+1 का क्यूब, यहाँ ध्यान दीजिए x+y है, तो यहाँ x की जगह 100, y की जगह पे 1, तो होता है x का क्यूब, यानी हम कितने का क्यूब करेंगे 100 का क्यूब, प्लस y का क्यूब, y की जगह पर हमारा 1 का क्यूब, प्लस 3xy, इनके बीच में गुणे 3 × 100 और गुणे वाई का मान 1, कोष्टक में x+y यानी 100+1, ये हुआ 100 का क्यूब होगा 1 के बाद 6 0, प्लस 1 का क्यूब होगा 1, 3 का 100 में गुणा 300, और इसका इधर हो गया 100+1 हो गया, तो हम इसको जोड़ लें, मन कहीं जोड़ लें, या 300 का इसमें भी गुणा कर दें, 300 का इसमें भी गुणा कर दें, थोड़ा आसान हो जाएगा। तीन सौ का 100 में गुणा होगा तो गया 30,000+300, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,30,301। तो इसका आंसर हो गया 10,30,301। हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा यही 10,30,301, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम सर्वसंख्या को सॉल्व करेंगे, इस तरह से सर्वसंख्या का प्रयोग करके। इसी पे है सेकंड सवाल, इसका सेकंड सवाल है, यह है 95 का क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोचेंगे कि लिख दें 90+5 का क्यूब, तो 90 का क्यूब करने में हमको गुणा करने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो हम इसको लिखेंगे 100-5 का क्यूब, ये होगा, ये भी तो 95 लिखा। अगर आप ये लिखते 90+5 का क्यूब, तो इस तरह से फार्मूला तो बनता, लेकिन 90 का क्यूब माने 90 × 90 × 90 करने में थोड़ा कठिनाई होती, इससे बढ़िया 100-5 कर लें। सर्वसंख्या यहाँ क्या लगेगा, x-y का होल क्यूब, x-y का होल क्यूब, जैसे प्लस वाला वैसे माइनस है, बस हर जगह माइनस हो जाता है, x³-y³-3xy कोष्टक में x-y, यहाँ पे हम इसको उतार लें 100-5 का क्यूब, इसी को तो हमको ज्ञात करना है, हो गया x का क्यूब, यानी कि 100 का क्यूब, x के जगह पे 100 है, -y के जगह पे 5 है,
माइनस पाँच का क्यूब माइनस तीन गुणे एक्स का मान 100 गुणे वाई का मान 5 कोष्टक में ये 100 माइनस 5 एक्स माइनस वाई 100 का क्यूब फिर हो गया आ जा रहा है तो 6 जीरो होगा, 5 का क्यूब 125, 300 में 5 का गुणा हो गया 1500, के बाद यहाँ गुणा है घटाएं तो तब भी गुणा करना पड़ेगा, उससे बढ़िया हम इसी का 1500 का ही गुणा कर लें। पंद्रह सौ का 100 में होगा तो 15 के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो इसका 4 जीरो हो जाएगा, माइनस 1500 का 5 1575। ये तीनों माइनस वाले हैं, इन तीनों को एक साथ जोड़ लें, ये हो गया 125 हो गया, जोड़ेंगे 5 2 6 7 5 1 15 76 625 2 3 4 5 6 माइनस 15, ये माइनस होगा सब समान चिन्ह माइनस जुड़ा है तो माइनस ही आएगा, 15 76 25 इसमें से हम इसको घटा दें, पाँच दो छः सात पाँच एक, 10 में से 5 घटा 5 यहाँ बचा, 9 में से 2 घटा 7, 9 में से 3 घटा, 9 में से 6 घटा 3, 9 में से 7 घटा 2, 9 में से 5 घटा 4, 9 में से 1 घटा 8, 84 23 75 84 23 75 ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। ये आपका आंसर है इसका, एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से आप तीसरा लगाएंगे तो इसको लिखा 1000 तो लिखेंगे 1000 प्लस 2 का क्यूब।